अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अबू उस्मान रूरल डेवलपमेंट चैनल की तरफ से उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको एक इन्वर्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो इसी तरह की एक और वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। तो आज की जो वीडियो है हमारी, वो भी सोलर का जो इन्वर्टर है उसी पे मौजू पे है। तो ये जो आज का इन्वर्टर जिसकी आज हमने अनबॉक्सिंग करनी है, ये बहुत ही कमाल की और शानदार प्रोडक्ट है। वो इस लिहाज से कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने सिर्फ फैन और लाइटें चलानी है, तो उसके लिए कोई सस्ता सा इन्वर्टर बताएं। तो ये प्राइमेक सोलर एनर्जी का इन्वर्टर है, जो कि इसकी जो मॉडल है वीनस 2000 मॉडल, मतलब वीनस 2000 मॉडल है। इसके साथ पीवी 2000 इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं और 1600 वाट इसकी जो आउटपुट है, ठीक है। तो इस पे हम अपने पंखे लाइटें वगैरह इजीली चला सकते हैं। मतलब एक घर में जितने पांच चार पंखे होते हैं, कोई 8-10 लाइटें होती हैं, तो ये जो इन्वर्टर है ये इजीली सारा लोड चला सकेगा। ये 2000 वाट इसके साथ हम सोलर लगा सकते हैं और ये है 12 वोल्ट, मतलब कि इसके साथ सिर्फ एक बैटरी लगती है। तो इसकी जो आउटपुट है वो मुख्तलिफ है। और इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ, ये जो है 170 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक ये काम करता है। और इसकी प्राइस भी इंतहाई मुनासिब है। और इसकी जो वारंटी है वो 1 साल की जो है रिप्लेसमेंट वारंटी है और 4 साल जो है इसकी सर्विस वारंटी है। तो आइए आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर इस इन्वर्टर की डाटा शीट को देख सकते हैं, तो इसमें सबसे जो खास बात है वो ये है कि जब आप इसको इस सोलर प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है ना, ये आपके लोड को जो है ना प्रेफर करता है। तो जैसा कि डाटा शीट आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो है ऊपर इसका मॉडल है वीनस 2000 मॉडल लिखा हुआ है, और नीचे जो इसकी रेटेड पावर है 2000 VA है और 1600 वाट इसकी आउटपुट है, ठीक है। इनपुट जो वोल्टेज है वो हम इसको 230 वोल्ट AC दे सकते हैं। और जो सिलेक्टेबल वोल्टेज रेंज है, ये मतलब कि अगर हमने पर्सनल कंप्यूटर वगैरह चलाने हैं तो 170 से 280 तक हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने होम अप्लायसेंस चलानी है तो 90 टू 280 कर सकते हैं। तो अगर हमने ऑटो सेंसिंग करना है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, ये जो स्टैंडर्ड है इसकी 50 to 60 है हर्ट्ज, ये ऑटो ही होती है, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट आपने देखा हुआ लिखा हुआ, ये देखें 230 जो है इसमें प्लस माइनस 5% जो है वो है, उसमें जो सर्ज पावर है वो 3200 वाट है, ठीक है। एफिशिएंसी पीक है इसकी 97 to 94%, ठीक है। और इसके बाद जो ट्रांसफ़र टाइम है 10 मिली सेकेंड, कंप्यूटर अगर हम ऑन करते हैं तो 10 मिली सेकेंड का ये वक्फा लेगा, अगर हम होम अप्लाइंसिस करते हैं तो 20 मिली सेकेंड का वक्फा लेगा, ठीक है। प्योर साइन वेव है इनमें, ठीक है। उसके बाद ये बैटरी की इंफॉर्मेशन है, 12 वोल्ट इसमें जो है एक बैटरी लगती है 12 वोल्ट की, ठीक है। और जो फ्लोटिंग चार्जेस है वो 13.5 है, और जो ओवर चार्ज प्रोटेक्शन है वो 16 वोल्ट है, मतलब 16 जो वोल्ट है उससे ऊपर ये चार्ज नहीं करेगा, मतलब बैटरी की लाइफ इससे बढ़ती है। उसके बाद जो है बैटरी इनपुट वोल्टेज रेंज है वो 12 वोल्ट ही है, ठीक है। उसके बाद सोलर चार्जर एंड मैक्सिमम चार्जिंग है जो वो लिखा हुआ आपने देखा है, मैक्सिमम पीवी रे ओपन सर्किट वोल्टेज है 400 वोल्ट DC है, ठीक है। और MPPT ऑपरेटिंग रेंज है कम से कम 30 वोल्ट से 400 वोल्ट तक है, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी जो मैक्सिमम पीवी रे पावर है वो 2000 वाट है, और इसकी जो चार्जिंग है वो 80 एम्पीयर है। फिजिकली इसकी जो डिमेंशन लिखी हुई है ये 435 × और फिर जो है इसकी फिजिकल जो डिमेंशन लिखी है वो 435 × 335 × 165, ये इसकी जो टोटल है हाइट विथ और डीप डेप्थ जो है वो है इसमें, ठीक है। इसका जो वजन है वो सिर्फ 4.2 किलोग्राम है। और कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस में है RS-232 वाईफाई है, GPRS है। तो आइए हम इसको अब अनबॉक्स करते हैं, ये थी इसकी डाटा। तो आइए आज हम अपने इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आज हम जो इन्वर्टर को अनबॉक्सिंग करने लगे हैं, ये इंतहाई मुनासिब कीमत में सस्ता भी है, और इसकी पायदारी का ये आलम है कि कंपनी वालों ने गारंटी के साथ कहा है कि हम 1 साल जो है इसकी पार्ट की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी दी है और 4 साल फ्री सर्विस वारंटी दी है।
तो आप सोचें कि अगर कंपनी वालों ने इतना बड़ा दावा किया तो इसका मतलब है कि वाकई ये कोई अच्छी चीज़ है जो कंपनी वाले कह रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखें, इसका वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड का मैंने आपको बताया है कि ये 1 साल इसकी फ्री पार्ट्स की वारंटी है, रिप्लेसमेंट है। मतलब अगर कोई पार्ट्स को मसला बनता है तो वो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट करके देगी, और 4 साल इसकी सर्विस वारंटी है। मतलब अगर 1 साल के बाद भी कोई मसला बनता है तो कंपनी विद इन 4 ईयर अगर कोई मसला बनता है तो कंपनी आपको वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये हमारा वारंटी कार्ड है, और ये इसकी मैनुअल है, ठीक है। ये जो वीनस 2000 मॉडल है और वीनस 3200 मॉडल है, उनकी सेम मैनुअल है, ठीक है। उन्होंने एक ही कॉपी पे मैनुअल पे शो करवाई हुई है। तो इसके बाद जो है मैनुअल आ गई। मैनुअल में आपको पता ही है इसका फंक्शन होता है कि इसको कैसे हमने सेटिंग करनी है, कैसे हमने इसको सोलर करंट देना है, कैसे हमने इसको सेटिंग वगैरह करना है, कैसे हमने इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये अब हम इन्वर्टर फाइल निकालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमारा इन्वर्टर आ गया है भाई, और ये हमने इसको, ये देखें पैकिंग चेक करें आप लोग, कितनी इसमें उन्होंने सेफ्टी प्रोवाइड की हुई है। और ये देखिए, ये हमने इसको साइड पर रखना है अब, और फिर इसको उतारा हमने और ये साइड पर रख दिया। अब हमने इसको पॉलीथिन में से निकालना है। कलर चेक करें, कलर कलर चेक करें आप लोग। ये देखिए, ये आपके सामने इन्वर्टर आ गया है। ये जी इसका वीनस 2000 मॉडल इसका, ठीक है, प्राइमेक्स सोलर एनर्जी वीनस 2000 इसका जो है मॉडल है। तो इसके बारे में आपको मैं बताता चलूं, ये 2000 वाट तक हम इसको सोलर दे सकते हैं, ठीक है, और 1600 वाट इसकी आउटपुट है, ठीक है, और 12 वोल्ट इसके साथ एक बैटरी हम अटैच कर सकते हैं। मतलब ना 24 वोल्ट 48 वोल्ट नहीं है, कम खर्चे वाला है, मतलब कि बर्डन भी होगा बजट में, आप अपने लिमिटेड बजट में भी इससे आप फायदा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ये दो लगे हुए हैं फैन, ठीक है। ये देखें, ये है फिल्टर, जो के अंदर वाले जो हमारे आईसीज हैं, अंदर वाले जो ट्रांसफार्मर है, जो भी हमारा मैनुअल सिस्टम है इसके अंदर, उसको ठंडा करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सेव करने के लिए डस्ट वगैरह से, ये हमारे फिल्टर काम करते हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद ये आ जाएं सबसे पहले इस तरफ। इसमें सबसे बड़ी बात है, इन सब इन्वर्टर्स में अर्थ की ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद इनमें एसी इनपुट है, एसी आउटपुट है। इनमें डुअल आउटपुट आउटपुट वाला ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है ही यूपीएस लोड वाला। जो बड़ा इन्वर्टर था इसके साथ का पीवी 7200, मतलब वीनस 6200, वो जो है उसमें डुअल आउटपुट का ऑप्शन था, इसीलिए उसमें यूपीएस और हैवी लोड का ऑप्शन था। ये सिर्फ छोटे लोड के लिए, इसलिए इसमें सिंगल आउटपुट है। उसके बाद ये बैटरी का ऑप्शन है, इसके अंदर जो है थिम्बल के साथ हम लगाते हैं। बड़ा ही इंतहाई मतलब शानदार जो है उन्होंने निज़ाम बनाया कि थिम्बल के साथ आप बैटरी को अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो पीवी है, इसमें जो हमें फायर लगाकर अच्छे तरीके से हम अपने पीवी जो वायर है उसको भी लगा सकते हैं। तो ये आपको मैं फिर आपके सामने इन्वर्टर करने लगा हूँ। तो इसका जो है ना, आप इसको मैक्सिमम जो बैटरी है ना उसको 80 एम्पीयर तक चार्जिंग दे सकते हैं। तो इंतहाई मुनासिब कीमत में, मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में ऐसा इन्वर्टर मिल सकता है जो आपके घर के बिलों को, इतनी महंगाई और लोड शेडिंग के ज़माने में आपको कम खर्चे में आपको फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो ये प्राइमक सोलर एनर्जी का वीनस 2000 मॉडल था 1600 वाट के साथ, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रूरल ट्यूरबल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।